कई बार ऐसा वक्तव्य कुछ लोग बोलते हैं कि इस वक्त जुबान पे सरस्वती व्याप्त होती है, बसती हैं, और उस पल आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन माँ सरस्वती का ऐसा अपमान क्यों? माँ सरस्वती किसी को भी बददुआ नहीं देती, किसी को भी ऐसे अपशब्द नहीं बोलती। तो ये तो हमें नहीं कहना चाहिए कि माँ सरस्वती विद्यमान होती हैं जुबान पर, बल्कि एक ऐसा नाम लेना चाहिए जो दुष्ट शक्ति है, और वो ऐसी कटु वचन किसी को बोलती है या बोलता है जो सच हो जाता है, इसका कोई भी कारण हो। लेकिन जो माँ सरस्वती है, जिसके साथ माता का नाम लगा हुआ है, वो किसी को बद्दुआ कैसे दे सकती है? वो उसकी जुबान काली कैसे हो सकती है? इसी पर चिंतन मनन करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि क्या मैंने ये बात बोली है, इससे आप सहमत हैं या नहीं हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक ऐसी सवाल को लेकर जो कमेंट्स में मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि काली जुबान की काट कैसे हो। अगर किसी की जुबान काली है, यानी काली जुबान से मतलब है जो बोले वो सही हो जाए, लेकिन काली जुबान अक्सर नेगेटिव सेंस में बोली जाती है, पॉजिटिव सेंस में काली जुबान नहीं होती। पॉजिटिव सेंस में गोरी जुबान हो सकती है, लेकिन काली जुबान नहीं हो सकती, क्योंकि काली जुबान का मतलब ही अपशब्द बोलना है, किसी को बद्दुआ देना है और किसी को श्राप समकक्ष बात बोलना है, और वो कभी सच भी हो जाए तो वो व्यक्ति काली जुबान वाला साबित हो जाता है। ऐसा मिथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, ऐसे लोगों से कोई मेल जोल मत रखो जिनकी जुबान काली है। तो काली जुबान का सरस्वती से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सरस्वती हमेशा अच्छी बात बोलेंगी, वो माँ है, मातृतुल्य आशीर्वाद देंगी, लेकिन कभी किसी को कड़वी बात नहीं बोलेंगी। ये सरस्वती माता का साक्षात अपमान है, आप इससे सहमत होंगे मैं जानती हूँ। लेकिन ऐसी जो महिला है जो किसी को बुरा ही बुरा बोलती है, हमेशा कोसती ही कोसती रहती है और उसकी बातें सच हो जाती हैं, उसको कुछ लोग क्या क्या नाम देते होंगे वो आप जानते ही हैं, उसको कोई अच्छे नाम से तो नहीं बुलाता होगा। और हम अपनी जुबान को क्यों काली करें, क्यों हमारी जुबान को काली करें, तो हम इशारों में ही आपको बता रहे हैं। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ कि काली जुबान की काट कैसे करें, जिसने आपको कुछ बात बोल दिया वो झूठी साबित हो जाए और वो नहीं होके रहे आपके साथ, आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी नहीं आए, इस पहलू पर आज विचार करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आज एक मैं नई जानकारी आपको देने वाली हूँ, हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले और उसमें कुछ मैंने उपाय भी बताए होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को दोबारा वीडियो बनाया जाए कुछ नए कंटेंट लेकर, क्योंकि नए कंटेंट होने ज़रूरी हैं। तो आज इस पर जानकारी देने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में 25 साल से हूँ, सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस है मुझे। आप मुझसे परामर्श लेके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मैरिज के डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं, ज्योति नाम से एक लड़की ने मुझे भेजा है, तो मैं वो मेरे वीडियो देख रही हैं अभी, तो मैं उनको बोलूँगी कि मेरे ईमेल आईडी के थ्रू फ़ीस का प्रोसीजर जाने, क्योंकि मैं निःशुल्क सेवा नहीं करती हूँ, ज्योतिष मेरा प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन की इलाज आप ही के लोगों के हाथ में होती है, तो आप मेरी इंसल्ट मत करिए निःशुल्क मुझसे परामर्श लेकर। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको बताना चालू करते हैं कि काली जुबान की जो काट होती है वो कैसे होती है, और काली जुबान की काट होती भी है, कैसी होती है आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को अभी की अभी सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु की, पूजा पाठ की, और बेहतरीन जानकारी आपको मिलती है अनेक विषयों पर जो ज्योतिष तंत्र मंत्र से आधारित होते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रेरित होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बकवास कर देते हैं, लोगों को बोल देते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके शब्दों से कितना ज़्यादा स्ट्रेस उस व्यक्ति के जीवन में आ सकता है, स्ट्रेस को लेकर वो परेशान हो सकता है। तो आज मैं आपको बोलूँगी कि जो काली जुबान वाले होते हैं उनकी ऐसी तैसी करिए और उनसे बिल्कुल भी भय मत खाइए। अगर आपको लगता है कि किसी की जुबान काली है और वो जो बोलता है सच हो जाता है, तो भगवान से बड़ी शक्ति नहीं है वो,
क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा होते हैं और भगवान से बड़ी शक्ति दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आपको चाहिए कि उसको मिटाने के लिए जो उसने आपको बोला है उस शब्दों को एक कागज़ पे लिखें और काली माता के दरबार में उसको चढ़ा दीजिए। ये आपका सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाएगा और काली माता के द्वारा आपकी रक्षा होगी, क्योंकि जो काली माता हैं वो ऐसे ही टोने टोटकों को दूर करती हैं, शत्रु बाधा को मिटाती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। काली माता बहुत चमत्कारिक रूप से शत्रु बाधा को नष्ट करती हैं, क्योंकि जो काली जुबान आपके लिए बोलता है तो वो तो आपका हितैषी हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काली माता का आप जाप करिए, काली माता का जो बीज मंत्र है उसका आप जाप करिए, क्रीम बीज मंत्र है, क्रीम 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 बोलिए, आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। और चैंटिंग करिए, काली माता का स्वरूप अपने सामने इमेजिनेशन में लेकर आइए और काली माता को आप अर्पित करिए जायफल या नारियल, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और काली माता ही आपकी रक्षा करने को तत्पर होंगी। क्योंकि सृष्टि की जो शक्ति है वो माँ दुर्गा है और माँ दुर्गा के कई रूप हैं, नव दुर्गा उनको कहा गया है। तो शक्ति का आह्वान आपको करना है, शेर की इमेजिनेशन करनी है, आपको डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं लगेगा। और काली जुबान वाले को आपको अपशब्द नहीं बोलने हैं, लेकिन उसके लिए रेकी करिए, जिसने आपकी काली जुबान आपको काली जुबान बोली है, मतलब काली जुबान से कुछ शब्द बोले हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचना चालू कर दीजिए। उसके विनाश की कामना बिल्कुल मत करिए, उसके लिए फीलिंग पैदा करिए और उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, उसको थैंक यू बोलिए और उसका आभार व्यक्त करिए। और आप ये शब्द लिख भी सकते हैं, जो शब्द उसने आपको लिखे हैं तो थैंक्स के रूप में वो शब्द आपको उसको लिखने हैं, उसका नाम लेकर। आप चमत्कार महसूस करेंगे कि वो शब्द कट के रह गए हैं और वो शब्द या तो उसी पर वापस पड़ेंगे या फिर आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो काली जुबान से आपको घबराना नहीं है। काली जुबान हमेशा अशुभ ही होती है, शुभ नहीं होती। अगर शुभ होती तो उसको काली जुबान क्यों बोला जाता, वो काली जुबान हो ही नहीं सकती थी। और शुभ जुबान होती है जहाँ सरस्वती माता का वरदान आपको मिलता है, सरस्वती माता के थ्रू कोई आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो अच्छी जुबान की श्रेणी में आता है। और ऐसा आपको सरस्वती माता से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि सरस्वती, क्या पता किस वक्त सरस्वती बैठी हो, ये मैंने अक्सर लोगों के मुँह से सुना है। तो सरस्वती जुबान पर नहीं बैठती है और गंदे लोगों की जुबान पर तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठती है, वो अच्छे ही अच्छे लोगों की जुबान पर बैठती है और वो अच्छा ही अच्छा शब्द बोलना पसंद करती है। तो काली जुबान वालों का कंपेयर सरस्वती माता से कभी मत करिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और भी आप मेरे द्वारा कोई मशवरा चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करिए। आप मेरे से ज्योतिष सलाह भी ले सकते हैं, मैं 25 वर्ष से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और बहुत लोगों का भला कर चुकी हूँ। मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का लाभ उठाने के लिए आपको चार्जेबल सर्विस लेनी पड़ेगी। ये सर्विस बहुत नॉमिनल सी होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए। अगर आप किसी परेशानी में चल रहे हैं, तलाक का केस चल रहा है या मनमुटाव किसी किससे हो गया है, गर्लफ्रेंड से नहीं बन रही है, या आपके पास पैसे की कमी है, नौकरी नहीं है पास में, ससुराल में दिक्कत है, किसी भी तरह की समस्या है आपके जीवन में, तो हमारे से आप परामर्श लीजिए और देखिएगा कैसे आपके जीवन में सुखों की वर्षा होती है, पैसे ही पैसा आपके पास आता है और आपको मानसिक शांति भी अनुभव होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना, जिससे इस बात से बहुत से लोग परिचित हो सके जिनको ये बात अब तक पता नहीं थी। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक अवश्य करना। थैंक यू सो मच।